हेलो स्टूडेंट, आई एम विकास कुमार। जैसा कि हमने अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हम अभी तक 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज हमारा 5वां लेक्चर होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने सेल मतलब किसी बार का डिफ्लेक्शन को देख लिया था, किसके कारण, उसके खुद के वेट के कारण। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट, जो तुम्हारे पेपर में जनरली पेपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि एक हमारे पास क्या है, बेलन, और उस बेलन का जो डायमीटर है, उस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो वेरी कर रहा है लेंथ के, या समझ गया भाई। माना इसका जो इधर का जो डायमीटर है वो कितना ले लिया मैंने, D1 ले लिया। इधर का जो डायमीटर ले लिया वो कितना ले लिया, D2 ले। माना जो इसकी जो लेंथ ले ली वो कितनी ली, L ले ली। माना किसी उस पर सेक्शन पर जो इसके एरिया जो ले लिया हमने, तो तुमसे पूछा है यदि इस सिलेंडर या इस फ्रस्टन कोन पर टेंशन फोर्स लग रखा हो दोनों साइड से, तब इस टेंशन फोर्स के कारण इस फ्रस्टन कोन में कितना डिफ्लेक्शन जनरेट होगा। तो एक क्वेश्चन बेसिकली तुम्हारे पेपर में पूछा है, तो हमें डायरेक्टली याद रखना है इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये तो है कि भाई हम यहाँ पर मतलब इसके बारे में अंदर डेप्थ पर जाना, हमें PhD करनी है, ऐसा कुछ नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद रखना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर 4PL अपॉन पाई D1 D2 इंटू, तो ये फॉर्मूला भी तुम्हारे पेपर में कई बार पूछा जा रखा है। एक फ्रस्टन कोन है जिसका पोर्शन क्या है, टेपर्ड। टेपर्ड का मतलब पहले डायमीटर D1 है और धीरे धीरे डायमीटर क्या हो रहा है, उसका दूसरे एंड पर इंक्रीज हो रहा है, जहां पर डायमीटर कितना उसका D2। इस फ्रस्टन कोन की जो लेंथ है वो कितनी है, L। इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, यहाँ पर E। समझ के आते हैं, लोड कितना लग रखा है, पी, और लेंथ कितनी उसकी है, तो पी टेंशन फोर्स के कारण इस फ्रस्टन कोन में कितना डिफ्लेक्शन जनरेट होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या था, 4PL अपॉन पाई D1 D2 इनटू। समझ के भाई यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कंपोजिट बार पे रहेगा, क्योंकि वहां से भी तुम्हारे पेपर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कंपोजिट बार। तो कंपोजिट बार पर डिफ्लेक्शन कितना होगा लोड के कारण, तो देखिए सबसे पहले कंपोजिट बार पता होना चाहिए हमें क्या होता है। जैसे मैंने बताया अभी, मैंने सिंपल जैसे एक बार बना दिया, बार बना दे, बार मतलब ग्लोब बना दे, और ये बार कौन से मटेरियल का है, स्टील मटेरियल का। एक दूसरा बार है उसकी सेम साइज सब कुछ सेम है, लेकिन ये बार कौन से मटेरियल का है, कॉपर का है, समझ गए। लेकिन जब मैं यहाँ की बार की बात करूंगा तो यहाँ पे मटेरियल क्या है, अलग अलग है, यहाँ पे क्या है स्टील है और यहाँ पे क्या है कॉपर। तो वो बार जो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना होता है, वो बार जो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना होता है, उस बार को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट बार। समझ गए यहां तक। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है भाई तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, चलो देखने क्वेश्चन। तो कंपोजिट बार किसे बोलते हैं, वो बार जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बना होता है, उस बार को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट बार बोलते हैं। समझ के यहां तक। तो क्वेश्चन यहां से पेपर में पूछा जाता है कि मेरे पास एक कंपोजिट बार है, उसके दोनों एंड क्या कर रखे हैं, मैंने फिक्स कर रखे, उसके दोनों एंड क्या कर रखे हैं, फिक्स। माना पहला बार ये हो गया, दूसरा बार कौन सा हो गया, ये हो गया, इसके दोनों एंड को क्या कर रखा है, मैंने यहां पर फिक्स कर रखा है। माना दोनों बार की जो लेंथ है स्टार्टिंग में कितनी, यहां पर है। माना पहले बार का जो एरिया है A1 और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने, यहां पर A1। माना दूसरे बार का जो एरिया है A2 और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी, यहाँ पर P। समझ गए यहाँ तक। इस बार पर एक फोर्स लग रहा है P किलोन्यूटन का, इस कंपोजिट बार पर एक फोर्स लग रहा है P किलोन्यूटन का। अब ये P फोर्स लग रहा है कंपोजिट बार पर P किलोन्यूटन का, तो क्वेश्चन पूछ लेगा प्रत्येक बार में फोर्स का मान कितना हो, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पेपर। तो मुझे पता है कि इस बार का मटेरियल अलग है, इस बार का मटेरियल अलग है, तो जब दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से कोई बार बनता है तो उस बार को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट बार बोलते हैं। तो माना पहले बार ने पी फोर्स को कितना जनरेट किया, P1 किया। माना दूसरे बार में जो फोर्स जनरेट हुआ कितना, P2। समझ गया आज तक। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अलावा हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, समीशन हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर जीरो, समीशन हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर जीरो क्या आ जाएगा, जब पी फोर्स इसे इधर को खींच रहा है तो इस पी फोर्स के अगेंस्ट कितने फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे दो प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से, P1 और P2। तो P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, P1 प्लस के P2। ये क्या हो गया हमारे पास समीकरण फर्स्ट, बात के लिए रहा भाई यहाँ तक। भाई जब पी फोर्स खींच के लेके
लेके जाते हैं तो ये पार है, ये दो आप उसमें क्या होते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से अटैच हो रखे हैं। तो अटैच होने के कारण क्या होगा, ये टी फोर्स इन दोनों मेंबर को क्या खींच के लेके चल जाएगा क्या, ये कुछ रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा वहां पर। माना पहले बार में कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया पी वन, माना दूसरे बार में कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया यहाँ पर पी टू, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को जीरो के बराबर रख दो यहाँ से, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी इस पी फोर्स को बैलेंस करने के लिए कितने फोर्स जनरेट हो रहे हैं दो, तो पी बराबर क्या लिख देंगे पी वन प्लस के पी। समझिए यहाँ तक भाई बात क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट 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 जब हम इस पी फोर्स को लेके जाएंगे तो पी फोर्स के इन दोनों क्या हो गए बढ़िया तरीके से आपस में क्या हो गया अटैच हो रखे हैं, यहाँ से बढ़िया तरीके से अटैच हो रखे हैं दोनों बार, यहाँ से बढ़िया तरीके से अटैच हो रखे हैं। जब दोनों बार आपस में बढ़िया तरीके से अटैच हो रखे और पी फोर्स हम इसे खींच रहे हैं तो दोनों बार में सेम डिफ्लेक्शन आएगा, दोनों बार में कौन सा डिफ्लेक्शन आएगा सेम डिफ्लेक्शन आएगा। अब सेम डिफ्लेक्शन को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा वन बराबर डेल्टा, ये कहां से आया, ये इसलिए आया क्योंकि दोनों बार के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है बहुत ही मजबूत है, तो जब बॉन्ड दोनों बार के बीच में क्या मजबूत है तो हम उसे पी फोर्स से खींचेंगे, तो पी फोर्स से खींचने के बाद क्या होगा दोनों बार की लंबाई में सेम चेंज आएगा, तो सेम चेंज आएगा तो हम क्या देख सकते हैं, माना पहले बार में डिफ्लेक्शन कितना है डेल्टा वन, दूसरे बार में लंबाई में चेंज कितना है डेल्टा टू, और मुझे पता है कि हुक के नियम के अनुसार डेल्टा वन क्या होता है भाई यहाँ पर पी वन एल अपॉन ए वन ई, पढ़ा था हमने ठीक है आगे समझ में आता है, ये इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर पी टू एल अपॉन ए टू ई, अगर यहाँ पर एल का मान भी अलग अलग होता तो एल का मान अलग लगता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है एल का मान सेम रहेगा तो मैंने सेम लिख दिया, एल से क्या कट गया एल कट गया, तो पी वन बराबर कितना है यहाँ पर ए वन ई वन इंटू पी टू बटे ए टू ई टू, तो ये पी वन का मान आ गया, समझ गया भाई, तो इस पी वन का मान आ रहा है समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, जिससे क्यों मुझे क्या निकालना पी वन और पी टू का मान ही निकालना है, बेसिकली क्वेश्चन डायरेक्टली ये आता है आईएएस के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन आईपीएस के एग्जाम की, बताओ दो एक कंपोजिट बार, एक कंपोजिट बार पर एक फोर्स लग रखा पी किलो न्यूटन, तो पी किलो न्यूटन फोर्स लगने के कारण दोनों बार में कितना कितना फोर्स जनरेट होगा पी वन पी टू का मान पूछा था, तो पी वन पी टू का मान हम निकालते हैं यहाँ तक बात की तो लोगों इस सभी के ठीक है, इस पी वन का मान उठा के यहाँ पर दो तो पी बराबर पी वन का मान कितना ले रखा है भाई यहाँ निकाला ए वन ई वन पी टू बटे ए टू ई टू प्लस के पी, अब पी टू यहाँ पर है पी टू यहाँ पर पी टू क्या ले लेंगे हमने यहाँ से कॉमन ले रहा तो पी टू क्या ले लें कॉमन ले रहा, तो यहाँ क्या बच गया ए वन ई वन अपॉन ए टू पी टू प्लस के, इसका कोई बटा नहीं इसका एक ले लें यहाँ पर इसकी गुणा कर दो इसकी गुणा कर दो इन दोनों की आपस में, तो पी बराबर कितना है पी टू ए टू ए वन ई वन प्लस के ए टू ई टू बटे ए टू, समझ गए, तो पी टू बराबर कितना है इसकी गुणा इधर कर दो तो P into A2 E2 बटे A1 E1 प्लस के A2, तो P2 का फोर्स P2 का मान तो हमने निकाल चुके हैं यहाँ पर, अब मुझे P1 का मान भी चाहिए, अगर मैं P2 के मान को इस यहाँ समीकरण सेकंड में पुट कर दूँगा इस P2 के मान को आकर के समीकरण सेकंड में पुट कर देंगे तो यहाँ से P1 का मान निकल जाएगा डायरेक्टली, तो लिखो भाई तो P1 बराबर कितना रहेगा A1 E1 गुना P2 का मान कितना रहेगा वो समझ लीजिए लगता है यहाँ पर A2 E2 बटे A1 E1 प्लस के A2 E2 गुणा कितना ला रखा नीचे यहाँ पर A2 E2, तो इससे कट गया यहाँ पर, तो P1 बराबर कितना आ गया यहाँ से P into A1 E1 बटे A1 E1 प्लस के A2, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो अगर कोई तुमसे पूछ ले लेंगे बताओ भाई कितना कितना फोर्स होता है तो हम डायरेक्टली बता देंगे, आगे सभी की समझ में कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछ लेता है यहाँ से, चलो पहला पार्ट तो हम कवर कर चुके हैं इसका, दूसरा पार्ट ये पूछ लेता है यदि यदि इस दोनों बार में इस दोनों बार में इन दोनों बार में सेम डिफ्लेक्शन जनरेट हो रहा है तो उस डिफ्लेक्शन का मान कितना होता है, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ क्या। अब मैंने या तो डिफ्लेक्शन ए के रिस्पेक्ट में पहले वाले बार के रिस्पेक्ट में निकाला डिफ्लेक्शन दूसरे बार के रिस्पेक्ट में निकालू तो दोनों केस में डिफ्लेक्शन का मान सेम आएगा यहाँ पर, तब हम क्या करेंगे तो डिफ्लेक्शन का मान कितना आता है यहाँ पर डेल्टा वन पी वन एल अपॉन ए वन पी वन, तो या तो पी वन का मान रख दो यहाँ पर इस समीकरण में या यहाँ पर क्या होगा पी टू का मान रख दो तुम्हारी मर्जी कैसे हो, चलो ठीक है तो मैं करता हूँ यहाँ से ठीक है नोट कर लिया होगा मुझे पता है। अब मुझे क्या निकालना है डिफ्लेक्शन निकालना है और मुझे पता है कि डिफ्लेक्शन तो सेम रहता है भाई दोनों बार में चाहे कितने मैग्नीट्यूड से
वन प्लस के ए टू ए टू, नीचे क्या रह गया इसमें ए वन ए, तो इससे क्या करेंगे कट गया यहाँ पर, तो डेल्टा वन बराबर कितना आएगा पी एल अपॉन ए वन ई वन प्लस के ए टू ए। ये क्वेश्चन एक बेसिक बन गया, याद रखना है तुम्हें, एक याद रखना है यहाँ से, एक समझ गया भाई बात की जरूरत होगी यहाँ से। दूसरा केस पूछ लेता है, यदि पहले बार की मोड ऑफ इलास्टिसिटी कितनी हो ई वन हो, दूसरे बार की मोड ऑफ इलास्टिसिटी कितनी हो ई टू हो, तो मैं चाहता हूं मैंने इन दोनों बार को क्या कर दिया एक बार में वो कर दिया कन्वर्ट कर दिया, जिस बार को हम क्या बोलते हैं कंपोजिट बार बोलते हैं। तो कंपोजिट बार की मोड ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट मोड ऑफ इलास्टिसिटी, क्या बोलते हैं इसे हम इक्विवेलेंट मोड ऑफ इलास्टिसिटी। इक्विवेलेंट मोड ऑफ इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं समतुल्य मोड ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब समतुल्य प्रत्यास्थ गुणा, मतलब वहां पर मैं E1 और E2 प्रदर्शित ना करके मैं सिंपल ऐसी चीज प्रदर्शित करूं जो E1 और E2 के जितना ही इफेक्ट जनरेट करे, उसे क्या बोलते हैं वहां पर इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ गए यहां तक, चलो बात क्लियर होगी होगी भाई यहां पर, तो देखते हैं इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा ए वन प्लस के ए टू ए टू बटे ए वन प्लस के, तो क्या आ जाएगा ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, कौन बोल रहा है बात क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं होगा, समझ गए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो देखते हैं अभी, हाँ नेक्स्ट, ये तो कवर हो चुका है हमारा भाई, ये मैं क्वेश्चन की फॉर्म इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी की फॉर्म में करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा भूल जाओगे तुम, और क्वेश्चन तो तुम देखोगे जैसे पढ़ोगे नहीं, मतलब जैसे एस एस सी जे का पेपर होगा तुम्हारा, एस एस सी जे के पेपर के दौरान तुम क्या करोगे क्वेश्चन क्वेश्चन देखो, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है तुम्हारे पेपर में, क्वेश्चन नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे मेरे पास क्या है एक बार है, ये बार मैं ऐसे मतलब जनरल बता रहा हूँ, ऐसे मतलब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, लेकिन पेपर में वहां का क्वेश्चन कैसे आएगा थ्योरी की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा भाई, समझ गए थ्योरी की फॉर्म में क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ बताऊंगा। इसने बोला कि एक प्रिज्मेटिक बार, प्रिज्मेटिक बार किसे बोलते हैं, वो बार जिसका हर एक सेक्शन पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब पी और डी का मान क्या रहेगा हर एक सेक्शन पर क्या रहेगा सेम रहेगा, उस बार को हम क्या बोलते हैं प्रिज्मेटिक बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस बार को प्रिज्मेटिक बार को। तो जैसे स्टार्ट में इस बार की लेंथ कितनी यहां पर है, इस बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है ए, इस बार की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी यहां पर ई, तो क्वेश्चन पूछा है तुमसे कि इस पर एक फोर्स लग रहा है पी वन किलोमीटर का, कितने किलोमीटर का लग रहा है फोर्स पी वन किलोमीटर का लग रहा है, चलो ठीक है लग गया। एक दूसरा केस लिया, बार सेम है यहां पर इस बार, लेकिन इस बार फोर्स का मैग्नीट्यूड पी वन से हटा के कितना कर दिया पी टू कर दिया, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस दे दिया यहाँ पर सेम बार है, बार का मान क्या है सेम है, लंबाई सेम है एरिया सेम है ई का मान सेम है, लेकिन इस बार पर फोर्स पी वन ना लगा के पी टू ना लगा के क्या कर दिया डायरेक्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया पी वन प्लस के पी टू कर दिया, ये कर दिया। तो तुमसे पूछा है कि तीनों केस में स्ट्रेन एनर्जी का रिलेशन कितना होगा, यू वन प्लस के यू टू बराबर यू थ्री होगा, दूसरा ऑप्शन दे दिया यू वन प्लस के यू टू ग्रेटर देन यू थ्री होगा, सी दे दिया यू वन प्लस के यू टू लेस देन यू थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, और डी दे दिया इनमें से कोई। ये क्वेश्चन देते हैं यहां से तुम्हें, क्वेश्चन ये पहला केस लिया मैंने यहां पर, ये दूसरा केस लिया, ये तीसरा केस लिया, माना पहले केस में स्ट्रेन एनर्जी का मान कितना है U1, दूसरे केस में स्ट्रेन एनर्जी का मान कितना है U2, तीसरे केस में स्ट्रेन एनर्जी का मान कितना है U3, तो U1 U2 U3 में क्या बनाना है हमें यहां पर रिलेशन बनाना है कि क्या रिलेशन इसमें से सही होगा, कौन सा रिलेशन इसमें से सही होगा, समझ गया यहां तक, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे होगा। क्वेश्चन समझ गया भाई सभी, ठीक है तो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है कि एक्सियल फोर्स के कारण जो किसी बार में स्ट्रेन एनर्जी जनरेट होती है वो स्ट्रेन एनर्जी बराबर पी यू बराबर क्या होता है पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए, ये डायरेक्शन बताया था मैंने सेकेंड लेक्चर, क्योंकि मैंने बताया था स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है किसी इलास्टिक मटेरियल ने इलास्टिक लिमिट तक अपनी सेप चेंज होने के कारण अपने अंदर जितनी एनर्जी स्टोर की उस एनर्जी को क्या बोलते हैं वहां पर स्ट्रेन एनर्जी, और स्ट्रेन एनर्जी को किसके द्वारा निकालते हैं लोड डिफॉर्मेशन कर्व के द्वारा, लोड डिफॉर्मेशन कर्व बनाएगा फिर उसका क्या ले लेंगे एरिया ले लेंगे, एरिया क्या होता है ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल के लिए
एक बटन दो पी इंटू डेल्टा है, डेल्टा एल का मान कर देंगे पी एल अपॉन ए ई, फिर उस मान को उसमें फिट कर देंगे तो वहां से वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए। समझ गए भाई यहाँ तक? तो पहले केस के लिए यू वन बराबर कितना आएगा पी वन होल स्क्वायर अपॉन एल अपॉन टू ए, मुझे पता है कि यहाँ पे एरिया सेम है, यहाँ पे भी ई सेम है, यहाँ पे भी एरिया सेम है, यहाँ पे भी ई सेम है, तो पहले केस का ले लिया हमने, ऐसे ही दूसरे केस का ले लिया, लेकिन वहां पर लोड का मान अलग है इस बार, तो पी टू होल स्क्वायर अपॉन एल अपॉन टू ए, ये क्या होगी समीकरण सेकंड हो गई यहाँ से। अब तीसरे केस में क्या कहा उसने, पी वन पी टू को सेपरेटली ना लगा के एक साथ लगा दिया, क्या लगा दिया एक साथ लगा दिया, इस बार P1 P2 ना लेके क्या ले लेंगे यहाँ पर P1 प्लस के P2 का क्या ले लेंगे होल स्क्वायर ले लेंगे इनटू L अपॉन 2A। अब जब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर P1 होल स्क्वायर प्लस के P2 होल स्क्वायर प्लस के 2P1 P2 इनटू क्या हो जाएगा L अपॉन 2A, इसके अंदर गुणा कर दो यहाँ से तो U3 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर P1 होल स्क्वायर इनटू अलग अलग बटे कर दो 2A प्लस के P2 का होल स्क्वायर इनटू L अपॉन 2A प्लस के 2P1 P2 L अपॉन 2A। तो देखो यहां पर हमें पता है कि ये क्या था U3 था, ये किसका मान हो जाएगा U1 का मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा U2 का मान हो जाएगा, लेकिन इस इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण ये वाला टर्म क्या आ गया यहां पर एक्स्ट्रा ही आ गया भाई यहां से, ये वाला टर्म क्या हो गया एक्स्ट्रा आ गया यहां पर, तो हम रिलेशन क्या बता सकते का मान ज्यादा होगा इससे U1 प्लस T इनपुट, कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लेंगे अपने हिसाब से। क्यों हो रहा है ये कंडीशन, क्योंकि अगर हम P1 लोड लगाए तो सेकंड स्टेट एनर्जी होती है, P2 लोड लगाए तो सेकंड स्टेट एनर्जी होती है, लेकिन अगर मैं दोनों लोड को एक साथ लगा दूं तो स्टेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो U1 प्लस के U2 प्लस के ये वाला टर्म क्या आ जाएगा उसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं तीसरे केस में स्टेट एनर्जी का मान ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है 2 into P1 P2 into L upon 2 into A into A, इतना ज्यादा क्या होता है इससे इतना एक्स्ट्रा होता है U3 का मान, कितने उन दोनों के बात की तरह, यहां तक कोई डाउट तो नहीं होगा ठीक है, समझ गए यहां तक। नेक्स्ट
रेक्टेंगुलर शेप की कोई बॉडी है, तुमसे पूछा है इस रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मान कितना होगा, समझ गए? अब करते हैं यहां से स्टार्ट। तो मुझे पता है कि रेक्टेंगुलर का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये तो सभी को पता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब लेंथ गुणा विड्थ गुणा। लेकिन मुझे क्या करना है, इसकी शेप में चेंज निकालना है, मतलब वॉल्यूम में चेंज निकालना है। तो जब हम किसी शेप की बॉडी में चेंज निकालते हैं, वॉल्यूम में चेंज निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं उसका अवकलन, मतलब बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, अवकलन का यूज किया जाता है, मतलब डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। अगर कोई छोटी शेप की बॉडी है उसे बड़ी शेप में कन्वर्ट करना है, कोई छोटी चीज है उसे बड़ी चीज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। समझ गए भाई यहां तक, आगे समझ में? मतलब बड़ी चीज को छोटी चीज को में कन्वर्ट करने के लिए अवकलन का यूज किया जाता है, और छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वहां पर समाकलन का यूज किया जाता है। समझ गया, ठीक है? तो चलो इसका वो निकालो भाई, यहां से अवकलन करो तो डेल्टा पी बराबर कितना आएगा, देखो गुणा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें पहला टर्म एल मान लिया, दूसरा टर्म कौन सा मान लिया, यहां पर पीएच मान लिया, तो पहला टर्म जुगा दो, दूसरे का अवकलन कर दें। लेकिन यहां पे भी दो टर्म हो गए यहां पर, बी और एच दो टर्म हो गए यहां पर, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन वाला टू लग जाएगा यहां पर, तो बी जुगा तो एच का कितना आ जाएगा, डी एच हो जाएगा यहां से, प्लस के एच जुगा तो इसका क्या आ जाएगा, डी बी। अभी ये तो इसकी बात हुई, प्लस के बी और एच जुगा तो रहेगा, फिर इसका करेंगे एल का करेंगे तो कितना आएगा, डी एल। बात क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा, वैसे चलो ठीक है। डेल्टा बी बराबर इसके एल में गुणांतर कर दे, तो एल बी डी एच प्लस के इसके अंदर गुणांतर, तो एल एच इंटू डी बी प्लस के बी एच इंटू डी। समझ गए यहां तक, आगे सभी के समझ में, ठीक है? माने तो अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट हो, इस समीकरण फर्स्ट को किससे भाग दे देंगे, यहाँ पर इसके ओरिजिनल वॉल्यूम से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे समीकरण फर्स्ट को इसके ओरिजिनल वॉल्यूम से भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो दोनों साइड भाग देंगे यहाँ पर, तो डेल्टा बी बटे बी बराबर एल बी डी एच बटे ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था इसका, एल बी एच प्लस के एल एच डी बी बटे इसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, एल बी एच प्लस के बी एच डी एल बटे एल बी एच। अब जो जो चीज कट गया उसे कट दो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, दोनों चीज डी एच से बी एच कट गया, तो डेल्टा बी बटे बी से क्या लेते हैं, एप्सिलॉन बी लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डी एच अपॉन एच। अब देखो ये कौन सा, देखो चलो मैं इसे कौन सा डायरेक्शन मान लो, वाई डायरेक्शन मान लो, इसे एक्स डायरेक्शन मान लो, इसे कौन सा डायरेक्शन मान लो, जेड डायरेक्शन मान लो। तो x डायरेक्शन या y डायरेक्शन या z डायरेक्शन में जो चेंज होगा, उस चेंज में जो स्ट्रेन जनरेट होगी वो उसी डायरेक्शन की स्ट्रेन होगी। तो dx h h डायरेक्शन में चेंज होगा, तो h डायरेक्शन कौन सी है, वो h डायमेंशन कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो यहां पर स्ट्रेन कितनी आएगी इसकी, यहां पर एप्सिलॉन y प्लस के v डायमेंशन कौन सी डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, तो इसे क्या लेंगे, एप्सिलॉन z प्लस के l डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में, l डायमेंशन कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन, तो क्या लेंगे, एप्सिलॉन। देखिए आ जाएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मान हो गया कौन से केस में, यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्ट के केस में, एप्सिलॉन एक्स प्लस के एप्सिलॉन वाई प्लस के एप्सिलॉन जेड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मान। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा, समझ गया भाई यहाँ तक? अभी मैं बाद में फर्दर बताऊंगा ये आगे करके, अभी मैं थोड़ा एक और डायरेक्शन ले लेता हूँ यहाँ पर। अभी तो मैंने रेक्टेंगुलर पार्ट के केस में बताया था ये, अब दूसरा कौन से केस में बताया बताऊंगा यहाँ पर, सिलेंडर के केस में, ठीक है? सिलेंडर बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी, चलो ठीक है। माना सिलेंड्रिकल बॉडी की जो हाइट है वो कितनी यहां से एच, सिलेंड्रिकल बॉडी का जो डायमीटर है वो कितना यहां पर, कैपिटल डी। तो तुमसे पूछ लेगा कि इसके आयतन में कितना चेंज आता है, उसमें आयतन भी करती बताइए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले कुछ नहीं करना हमें, वॉल्यूम लिखना है डायरेक्टली, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, v बराबर पाई डी स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो r का मान कितना लिख लेते हैं वहां, डी बटे दो। फिर जब उसकी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बटे चार हो जाएगा, v बराबर पाई डी स्क्वायर बटे एच बटे चार। फिर हमें क्या करना है, इस बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप, डेल्टा v बराबर जो कॉन्स्टेंट
डी स्क्वायर तो जो का तो एच का मूलन क्या हो जाएगा डी एच प्लस एच जो का तो इसका मूलन क्या हो जाएगा टू डी इंटू डी। बात क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आता है। अब हम क्या करेंगे, माने क्या होगा मेरे पास समीकरण फर्स्ट हो, अब मुझे क्या करना है इसमें स्ट्रेट का मान निकालना है, क्योंकि ये तो चेंज इन वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, लेकिन मुझे तो क्या करना है स्ट्रेन का मान निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मान कैसे निकाल लूंगा, जब मैं दोनों साइड को किससे भाग दे दूंगा, यहाँ पर वॉल्यूम से भाग दूंगा। तो चलो तो यहाँ पर समीकरण ए को वॉल्यूम से भाग दे दूंगा, तो जब भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना डेल्टा पी बटे पी हो जाएगा बटे पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू डी एच प्लस के टू डी एच इंटू डी बटे पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू एच। तो इससे कट गया यहाँ पर, इन्हें क्या कर लें अलग अलग बटे कर लो इसके, तो डेल्टा वी बटे वी बराबर कितना आएगा डी स्क्वायर इंटू डी एच बटे डी स्क्वायर इंटू एच प्लस के कितना आएगा टू डी एच इंटू डी डी बटे डी स्क्वायर इंटू एच। एच से एच कट गया यहाँ पर, डी स्क्वायर से डी कट गया, एक डी से एक डी कट गया, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर कितना आएगा यहाँ पर डी एच अपॉन एच। अब जो डी एच अपॉन डी एच है डी एच अपॉन एच, तो किसके अलोंग चेंज हो रहा है, ये लेंथ के अलोंग चेंज हो रहा है, कौन सी किसके अलोंग चेंज हो रहा है लेंथ के अलोंग चेंज हो रहा है, तो इसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर लेंथ के अलोंग स्ट्रेन प्लस के टू इंटू डी। डी किसके अलोंग चेंज हो रहा है यहाँ पर डायमीटर के अलोंग चेंज हो रहा है, और मैंने बताया था लेंथ वाली डायरेक्शन वाली जो स्ट्रेन को क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ की लंबवत वाली डायरेक्शन में जो चेंज होता है उस स्ट्रेन को क्या बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो डायमीटर में चेंज हो रहा है तो ये वाली जो स्ट्रेन हो जाएगी स्ट्रेन क्या हो जाएगी यहाँ पर लैटरल स्ट्रेन, तो इसे क्या लिख लेंगे एप्सिलॉन डी मतलब डायमीटर इसमें चेंज। तो अब ये पेपर में आया आपको चलने बताओ भाई सिलेंड्रिकल बॉडी है मेरे पास, जब सिलेंड्रिकल बॉडी के वॉल्यूम में चेंज होता है तो उसके वॉल्यूम में चेंज होने के कारण उसके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी होगी, तो उसकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है टू टाइम्स ऑफ इट्स लैटरल डायमेंशन में चेंज प्लस के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चेंज, मतलब दो गुना पार्श्वीय विकृति प्लस के अनुदैर्ध्य विकृति। समझ गए आज तक बात क्लियर है, ठीक है। तो मैंने दो केस बताए करके, तो तीसरा केस होता है हमारे यहां पर, तो तीसरा केस होगा वो भी देख लेते हैं यहां से। तीसरा केस स्पेरिकल शेप की बॉडी, गोलाकार बॉडी स्पेरिकल शेप, स्पेयर कैसा होता है गोलाकार होता है, जिसका व्यास कितना होता है यहां पर कैपिटल डी। तो कोई तुमसे पूछ लेगा कि स्पेयर का जो आयतन होता है वो कितना होता है आयतन, तो हमें पता है कि आयतन कितना होता है वो चार बटे तीन पाई आर की घात तीन होता है, कितना होता है चार बटे तीन पाई आर की घात तीन होता है। अगर मैं यहाँ पर आर का मान कितना रख दूंगा डी बटे दो रख दूंगा, तो डी बटे दो रखने के कारण इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई डी की घात तीन बटे छह हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक, अब मुझे क्या करूंगा आयतन विकृति निकालनी है, तो आयतन विकृति निकालने के लिए क्या करूंगा यहाँ पर इसका अवकलन करूंगा, यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज निकालना पड़ेगा, कुछ दिन उस वॉल्यूम के चेंज को किससे भाग दूंगा मैं वहां पर ओरिजिनल वॉल्यूम से भाग देता हूँ, तो क्या निकल जाएगी स्ट्रेन निकल जाएगी बस। तो करो भाई दोस्त पाई बाई फोर जो है पाई बाई सिक्स है क्या कॉन्स्टेंट टर्म बाहर लेगा, तो जब इसका अवकलन करेंगे थ्री इंटू डी स्क्वायर इंटू डी डी हो जाएगा भाई, ये तो हमें पता है अवकलन ऐसे करते हैं। अब इस समीकरण को किससे भाग ले देंगे वॉल्यूम से भाग ले देंगे, तो डेल्टा वी बटे वी बराबर पाई बाई सिक्स इंटू थ्री डी स्क्वायर इंटू डी बटे पाई बाई सिक्स इंटू डी की घात थी, तो इससे ये कट गया यहाँ पर डी स्क्वायर से दो बार डी कट गया तो एक बार डी नहीं बचेगा यहाँ पर। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर स्पेयर के केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है वो थ्री टाइम्स ऑफ इट्स डायमेट्रिकली चेंज के बराबर होती है, और डायमेट्रिकली स्ट्रेन कितनी होती है एप्सिलॉन डी। समझिए भाई बात क्लियर होगी यहां तक, किसी को कोई डाउट नहीं। समझिए यहां तक ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जेहन लेते हैं, क्योंकि पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं ये सारे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव की, बताओ ये वाली स्ट्रेन होगी वो किसके बराबर होगी, ये वाली जो स्ट्रेन होगी इसके बराबर होगी, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है तुम्हारे पेपर में, सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म में लूंगा। क्वेश्चन क्या आता है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉडी है,
एक हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉडी है यहां से, चलो ये ले ले रेक्टेंगुलर। माना ये डायरेक्शन क्या होगी, वाई हो गई, ये डायरेक्शन एक्स हो गई, ये डायरेक्शन क्या होगी, जेड हो गई। समझ गया यहां तक भाई, माने डायरेक्शन क्या होगी, एक्स हो गई, वाली डायरेक्शन क्या होगी, वाई हो गई, वाली डायरेक्शन कितनी होगी यहां पर, जेड। तो पूछता है कि माना एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रही है वो कितनी लग रही है, यहां पर सिग्मा एक्स लग रही है। वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रही है कितनी लग रही है, सिग्मा वाई लग रही है। जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रही है वो कितनी लग रही है, यहां पर सिग्मा जेड लग रही है। समझ गए। यदि किसी रेक्टेंगुलर बार की तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, तो तुमसे पेपर में पूछेगा बताओ, क्या पूछेगा, ये पूछेगा बताओ कि इन तीनों डायरेक्शन में लगने वाली स्ट्रेस के कारण इस बॉडी के वॉल्यूम में कितनी स्ट्रेन जनरेट होगी, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी होगी, या वॉल्यूम में चेंज कितनी होगा। ठीक है भाई, यहां तक। सबसे पहले मैं तुम्हें एक टर्म के लिए बताऊंगा ऐसे ही सिंपल, उसके बाद तुम्हें खुद करूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब आप, मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया था रेक्टेंगुलर बार के केस में जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है कितनी होती है, एप्सिलॉन एक्स प्लस के एप्सिलॉन वाई प्लस के एप्सिलॉन एच। समझ गए, एप्सिलॉन एक्स क्या होती है, एक्स डायरेक्शन में वॉल्यूम में चेंज, वाई डायरेक्शन क्या होती है, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन का मान होता है, एप्सिलॉन जेड क्या होती है, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन का मान होता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन का मान निकालना पड़ेगा इन तीनों फोर्स के कारण। समझ के भाई यहां तक, चलो करते हैं। सबसे पहले एक्स डायरेक्शन की बात ही करेंगे, एक्स डायरेक्शन, फिर उन सभी तीनों को क्या करते हैं, जोड़ देंगे, उठाकर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए यहां तक, ठीक है। तो जब मैंने एक्स डायरेक्शन कंसिडर की, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केवल एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस का मान कितना है यहां पर, सिग्मा। अब मुझे पता है कि हुक का नियम क्या कहता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, स्ट्रेन के। तो सिग्मा एक्स बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ई और एक्स, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, चलो एक्स ले लेते हैं, सिंपल जनरल, तो सिग्मा बटे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेस बटे क्या होती है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ गए भाई यहां तक, ठीक। अब मुझे क्या करना है, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन का मान निकालना इन तीनों फोर्स के कारण, ये करना है, बस ये क्वेश्चन है बस मेरा यहां से आया, समझ में क्या करना है, ठीक। तो ये तो तुम्हें पता चल गया यहां पर, ये क्या होता है, एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, सिग्मा बटे ई होता है यहां से, चलो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कंबाइंड स्ट्रेन का मान निकालना है कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, कंबाइंड स्ट्रेन का मान निकालना है कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो सिंपल, एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन का मान सिग्मा एक्स के कारण कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स बटे ई हो जाएगा। समझ के बाद यहां तक क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, इस सिग्मा वाई के कारण एक्स डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन जनरेट होगी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइजन रेशियो का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइजन रेशियो में तुम्हें तीसरे लेक्चर में शायद बता चुका था। समझ गए यहां तक, तीसरे चौथे लेक्चर में बताया, जैसे हम भी करते क्या, जैसे मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर में इस डायरेक्शन को खींच के लेके जा रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेन का मान क्या हो जाएगा, लेंथ में चेंज आ जाएगा, लेकिन इसकी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में तो चेंज आ ही रहा है, लेकिन जो उस डायरेक्शन की जो विपरीत डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में तो कुछ चेंज आ रहा है, तो चेंज कितना होगा वो निकालना है बस मुझे यहां पर। अब ऐसे ही यहां पर कंसेप्ट है, यदि मैं वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाने के कारण एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज आएगा तो वो निकालना है मुझे। तो मुझे पता है कि म्यू बराबर क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की ओर से होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यहां पर वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये वाई डायरेक्शन कौन सी लगेगी, यहां पर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो जाएगी। वाई के रेफरेंस में एक्स डायरेक्शन कौन सी लगेगी, यहां पर लैटरल डायमेंशन या लैटरल डायरेक्शन। तो लैटरल स्ट्रेन कितनी हो जाएगी भाई, वाई के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो वाई के रेस्पेक्ट में लैटरल स्ट्रेन क्या लेंगे, चलो एक्स मान लो, कितनी मान ली, चलो वाई नहीं मानते हम यहां पर, एम मान लेते, कितनी मान लेंगे, एम मान लेंगे। वाई के रेस्पेक्ट में एक्स और जेड वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये लैटरल डायरेक्शन हो जाएगी क्या, तो म्यू बराबर क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझ गए यहां तक, माइनस चिन्ह ले लिया। अब y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो y डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण y डायरेक्शन में स्ट्रेन का मान कितना आ जाएगा, वहां पर सिग्मा y बटे e हो जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा, माइनस k म्यू इनटू सिग्मा y बटे e हो जाएगा।
तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर, जब फोर्स y डायरेक्शन में लग रहा है तो y डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण x डायरेक्शन में स्ट्रेन का मान कितना होगा, वो होगा माइनस के म्यू इंटू सिग्मा y बटे a। तो यहां पर एक तरफ और x का जो हो जाएगा यहां पर माइनस के म्यू इंटू सिग्मा y बटे a हो जाएगा। ये तो चलो x और y डायरेक्शन की बात होगी, लेकिन मुझे तो तीनों के कॉम्बिनेशन के इफेक्ट के कारण x डायरेक्शन में स्ट्रेन का मान देखना है। तब मैं किस कहूंगा यहाँ पे z डायरेक्शन में स्ट्रेन का मान। जब z डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो z डायरेक्शन में फोर्स लगा तो z डायरेक्शन कौन सी जाएगी, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन z की जो विपरीत डायरेक्शन होगी उसे क्या बोलेंगे, लैटरल डायरेक्शन बोलेंगे, लैटरल डायरेक्शन बोलेंगे। तो z इतना निकल गया, तो ऐसे लो म्यू बराबर माइनस के एम, ये क्या हो जाएगी x डायरेक्शन, क्या हो जाएगी z के रिस्पेक्ट में लैटरल हो जाएगी। तो लैटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगी मैंने यहां पर m ले ली, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितनी आएगी z डायरेक्शन में, माइनस के सिग्मा z बटे e। m बराबर कितना है, माइनस के म्यू इनटू सिग्मा z बटे e हो जाएगा। तो टोटल स्ट्रेन कितनी हो जाएगी यहां पर इन तीनों फोर्स के कारण इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, म्यू इनटू सिग्मा z बटे e हो जाएगा। बात क्लियर है भाई यहां तक, समझ गए, ये मैं तुम्हें बिल्कुल समझा रहा हूं। अब आगे मैं जब सिग्मा y लिखूंगा सिग्मा z लिखूंगा वहां मैं ऐसे लिखूंगा, बस प्लस का टर्म कौन सा रहेगा, प्लस का टर्म वो रहेगा जिस डायरेक्शन में स्ट्रेन का मान निकालना है। जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पर एप्सिलॉन वाई निकालना चाहता हूँ, एप्सिलॉन वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा वाई बटे ई माइनस से म्यू इनटू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस से म्यू इनटू सिग्मा जेड बटे ई। ऐसे ही एप्सिलॉन जेड लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड बटे ई माइनस से म्यू इनटू सिग्मा एक्स बटे ई माइनस से म्यू इनटू सिग्मा वाई बटे ई। ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से तीन इक्वेशन निकलते हैं। इन तीनों इक्वेशन को उठा के कहां पर रख देंगे, इस समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, उठाकर यहां से इसकी वैल्यू निकाल। तो बढ़ो आगे भाई, चलो देखते हैं। अरेंज करते हैं टर्म को, बस अरेंज करना हो कुछ नहीं करना है। तो रखो एप्सिलॉन ए बराबर इसका मान कितना है यहाँ पर, सिग्मा एक्स बटे ई माइनस के म्यू इनटू सिग्मा वाई बटे ई माइनस के म्यू इनटू सिग्मा जेड बटे ई, प्लस सिग्मा वाई बटे ई माइनस के म्यू इनटू सिग्मा एक्स बटे ई माइनस के म्यू इनटू सिग्मा जेड बटे ई, प्लस सिग्मा जेड बटे ई माइनस के म्यू इनटू सिग्मा एक्स बटे ई माइनस के म्यू इनटू सिग्मा वाई बटे ई। तो ये और ये इन दोनों का अलग ले रहे हैं, तीनों का अलग ले रहे हैं, ये नीचे को ले रहे हैं, तो सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई प्लस के सिग्मा जेड बटे ई ये हो गया माइनस, ये माइनस ये माइनस ये माइनस 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 सारे क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस क्या लेगा सबके साथ म्यू है, म्यू भी क्या ले लेंगे कॉमन। अब यहाँ पर हर जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स भी दो है सिग्मा वाई भी दो है और सिग्मा जेड भी कितने यहाँ पर दो है, और सिग्मा जेड एक ये रहा यहाँ पर और कहा है यहाँ पर तीन तीन साइड। चलो देखते हैं जो पर ट्रैवल जैसे नहीं, ये तो हो गया ना, ये वाला जो बल वाला हो गया, तो क्या हो जाएगा सिग्मा वाई एक ये रहा यहाँ पर सिग्मा वाई एक ये रहा यहाँ पर, तो दो सिग्मा वाई हो गए तो दो भी कॉमन ले जाएगा और बटे ई भी कॉमन ले जाए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई प्लस के सिग्मा जेड। अब सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई प्लस के सिग्मा जेड बटे ई यहां भी है, सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई प्लस के सिग्मा जेड बटे ई यहां भी, इसमें से कॉमन ले लेना सर, एप्सिलॉन ए बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई प्लस के सिग्मा जेड बटे ई इनटू 1 माइनस के 2 ई। तो ये क्वेश्चन में तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है कि बताओ भाई अगर कोई थ्री डायमेंशनल बॉडी है, मेरे पास थ्री डायमेंशनल मतलब थ्री डी में कोई बॉडी है, उसके तीनों डायरेक्शन में फोर्स का मान लग रहा है, यानी फोर्स लग मतलब स्ट्रेसेस लग रहे हैं, तब उन स्ट्रेसेस के कारण उस बॉडी के वॉल्यूम में कितना चेंज आता है उन तीनों के इफेक्ट के कारण। तो तीनों के इफेक्ट के कारण क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस के सिग्मा जेड बटे ई इनटू 1 माइनस के 2 म्यू। बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को ही पहले लूंगा यहां पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, समझ गए गाइस यहां तक। चलो ये बात क्लियर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है तुम्हारे पेपर में क्या आता है वो बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, एक रेक्टेंगुलर बॉडी है मेरे पास, कौन सी बॉडी है, एक रेक्टेंगुलर बॉडी, उस पर तीनों डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, यदि उस बॉडी के वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए, यदि उस बॉडी के वॉल्यूम में कोई चेंज ना है, तब उस केस में पॉइजन रेशियो का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है। अब मुझे पता है कि रेक्टेंगुलर बॉडी के केस में वॉल्यूम
मैट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, एप्सिलॉन के बराबर सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई प्लस के सिग्मा जेड बटे ई। ये तो होता है फॉर्मूला जब तीनों डायरेक्शन में क्या लगा रखा, ऑफ कोर्स समान लगा रखा, स्ट्रेसेस वाले क्यों लगा रखा, समझ गया आता है। अगर उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि यदि वॉल्यूम में चेंज ना हो, तो वॉल्यूम में चेंज होना तो डेल्टा टी का मान कितना जाएगा, जीरो। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो बराबर कितना जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई प्लस के सिग्मा जेड बटे ई हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, इंटू वन माइनस के टू। तो यहाँ से दो कंडीशन एंगल मिलेगी, सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई प्लस के सिग्मा जेड का मान जीरो हो जाएगा, इस कंडीशन में एक कंडीशन मिल जाएगी, एक बार इसे जीरो रखो, एक बार इसे जीरो। तो जब इसे वन माइनस के टू में को क्या करें, जीरो बराबर रख दें, तो म्यू बराबर कितना है यहाँ पर, जीरो पॉइंट फाइव। जिसका मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, जब हमारे पास क्या कोई एक बॉडी है, उस बॉडी की तीनों डायरेक्शन में क्या लग रखा है, फोर्स लग रखा है, और उन फोर्स के कारण उस बॉडी के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन पूछेगा तो बताओ उस केस में बॉडी का पोजन रेशियो कितना होगा, तो उस केस में बॉडी का पोजन रेशियो कितना होगा, म्यू बराबर जीरो पॉइंट फाइव होगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन रहेगा कि यदि यदि बॉडी पर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन इन तीनों में से किसी एक फोर्स को क्या कर देगा, अननोन कर देगा, और पूछ लेगा बॉडी के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो बताओ तीसरे डायरेक्शन में जो फोर्स लग रखा है वो कितना होगा या उसका नेचर कैसा होगा। और जबकि मुझे पता है कि जब बॉडी के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, तो यहाँ से दो कंडीशन देखने को मिलती है, एक म्यू बराबर जीरो पॉइंट फाइव देखने को मिलता है, एक क्या मिलता है सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई प्लस के सिग्मा जेड बराबर क्या मिलता है, जीरो। समझिएगा यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहां से अपना, तो गाइज अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, ठीक है गाइज, थैंक यू।